खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई सब कुछ नया नया लग रहा है ना, कुछ लगता है कि दीवारों के रंग बदल गए हैं, डिशेस बिल्कुल नहीं बदली। नहीं, मैं बदला नहीं हूँ, मैं सेम हूँ, थोड़ा सा लुक फर्क हो गया। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ नयापन ज़रूर होना चाहिए ज़िंदगी में, डिशेज़ में भी होना चाहिए। अब हाल ही में मैं कुछ लोगों से मिला, उन्हें मुझसे पूछा कि ये जो आपका एपिसोड है वो नया है या पुराना है। अगर मतलब, तो मैंने कहा कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये जो अब एपिसोड आपको सारे मिले, सबको लगना चाहिए कि नए हैं। नहीं, कारण कुछ भी आप समझें, डिशेस वैसी की वैसी रहेंगी और बढ़िया होंगी। शुरुआत करते हैं करेले की चाट से, और ये जो पूरा का पूरा एपिसोड है इसमें जो रेसिपीज़ हैं कुछ अलग हैं थोड़ी सी, और ऐसी हैं जो मर्द जो होते हैं ना वो किचन में जाकर बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं करेले की चाट से। इसके लिए हमें चाहिए मैदा, और मैदे के अंदर थोड़ा नमक, उसके साथ साथ काली मिर्च कुटी हुई, फ्रेश काली मिर्च, और इसमें डालें थोड़ा घी, और अब इसमें पानी डालकर इसे गूंद लें। चलिए, ये जो डो है यहाँ पर रखा है, और इस डो को बेलना है मुझे। अच्छी तरह से इसे बेल लेते हैं हम। अब छुरी लेके आप इसे काट लें करीब इस तरह से, इसके बीच में, नहीं बिल्कुल बीच में नहीं, अभी थोड़ा किनारे पे आप इस तरह से ये चीरे लगा दें, और अब थोड़ा सा पानी लेकर ये जो किनारे हैं ये किनारों को गीला कर लें, और इसे आप इस तरह से ये यहाँ किनारे में, ये देखिए, घुमा दें, और ये तैयार हो गया हमारा पहला करेला। घर में करेले बना सकते हैं, और इसे फ्राई करके इसकी चाट बनाएंगे। अब ये जो करेले हैं वो कुछ तो तले गए हैं, इस तरह से कभी भी हाथ डालकर ना निकालें। चाट के लिए दही, और दही में नमक, चीनी दही में, और ये जो दही है ये इसके अंदर, अभी तो देखिए ये जो दही है ये इसमें से कैसे छनेगी। और अब इसकी चाट बनाने के लिए जब ये थोड़े ठंडे हो जाएं उसके बाद आप इनको ले लें, और जिस प्लेट पे आपने सर्व करना है उसमें रखें आप, ऊपर से ये दही जो है ये डाल दी हमने। इसके बाद हरी चटनी, धनिए और पुदीने की चटनी, ये लीजिए, थोड़ा सा नमक इसके ऊपर, थोड़ा सा काला नमक, आलू उबले हुए कटे हुए ये भी इसके साथ। अब इसमें ये चटनी, इमली की मीठी चटनी, थोड़ी दही, और दही की बिल्कुल कंजूसी ना इसमें करें। इस पे डालें लाल मिर्च पाउडर, इसके साथ साथ खूब सारा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी सेव, ज़्यादा नहीं, हरा धनिया इसके ऊपर, और अब ये जो हमारे पास करेला एक बचा है इसको रख दें इसके ऊपर। ये किस लिए? ताकि ये पता चले ये चाट करेले की है, नहीं तो लोग कहेंगे करेला ऐसा थोड़ी दिखता है, ऐसा ही दिखता है। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और इसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, नमक स्वादानुसार, 10 काली मिर्च कुटी हुई, 4 बड़े चम्मच घी, 2 कप दही, 2 छोटे चम्मच चीनी, तलने के लिए तेल, 1 कप हरी चटनी, काला नमक स्वादानुसार, 3 आलू उबले हुए और करीब 1/2 इंच के टुकड़ों में कटे हुए, 1 कप इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 2 कप सेव और 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसे बनाने के लिए मैदे में नमक, काली मिर्च कुटी हुई, घी और पानी डालकर इसका सख्त आटा गूंद लें, और इसकी गोलियां बनाकर इसे बेल लें, और इसे कुछ देर रखने के बाद इसके चौकोर टुकड़े काटें और इसके बीच में चीरे लगाएं, और इसके किनारों पर थोड़ा पानी लगाकर इसे मोड़कर इसके करेले तैयार कर लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करके इन करेलों को सुनहरा होने तक तलें और इसे निकाल लें। अब दही में नमक और चीनी डालकर मिक्स करें और इसे छान लें। एक प्लेट में तैयार करेले को रखें और ऊपर से दही, हरी चटनी, नमक, काला नमक, उबले हुए आलू, इमली की चटनी, दही, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, सेव और हरा धनिया डालकर इसे परोसें तुरंत।
वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मेरे साथ में हैं जॉनी जी. वेलकम टू द शो. थैंक यू संजीव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर हैं. अब खाना जो बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है. ये रेसिपी का मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये जॉनी जी ने बनानी है और अब ये इसका क्या करेंगे क्या बनाएंगे ना इन्हें पता है ना मुझे ना आपको. आपको मालूम है? अच्छा, ये हम कोशिश जो कर रहे हैं वो बनाएंगे चिकन कीमा पुलाव. चिकन की माँ, मैंने कहा था ना कि ये रेसिपी का को बुलाओ, उनको बुलाओ, वो बनाएगी. चिकन की माँ को बुलाओ, वो लेके आए. नहीं नहीं ये आपने बनानी है. ये पूरे एपिसोड में चिकन कीमा पुलाव मैं बनाऊँ? हाँ बिल्कुल. आप एक काम करें, आप ही इसको पकाएं, मैं आपको हेल्प करता हूँ. यस यस. ये तेल इसमें डाल देता हूँ भाई साहब. अच्छा, सबसे पहले जो खुशबूदार चीजें हैं वो सब डाल देते हैं. अच्छा अच्छा, पहचान है इनसे आपकी? ये इलायची है. अरे क्या बात है, लाल दशा से ये मान गए ना मेरे को? बिल्कुल, एकदम तो खाना बनाना बिल्कुल आता ही आपको. ये कौन है? ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं, सौंफ तो नहीं है ये? नहीं, जीरा. जीरा है, डालूं? हाँ बिल्कुल. कितना डालूं? हाँ डाले ना. हाँ डाल दिया. कोई बात नहीं. बहुत बढ़िया. अरे वाह. और ये लौंग है? लौंग है. लौंग डाल दूं? बिल्कुल. कितने? ढाई दो चार ढाई तीन ले लो भैया. लौंग आ गई, वेरी गुड. और ये दालचीनी है? दालचीनी एक डाल दूं? हाँ बस. वेरी नाइस. और ये काली मिर्च? काली मिर्च. काली मिर्च. और ये तीन चार? चार है. चार दो छः, कितने हो गए? सात आठ. प्याज इसके अंदर? क्या आवाज है, क्या जाते हैं. अब एक काम करते हैं, तीखा खाना अच्छा लगता है आपको? यस बिल्कुल. तो एक काम करते हैं, हरी मिर्च, हरी मिर्च ऐसे ये डाल दे. चिकन, चिकन की माँ, भाई वाह. अब माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग. इसके अंदर टमाटर का कीमा, वाह वाह वाह, हरी टमाटर. अदरक लहसुन, अदरक और लहसुन? हाँ जी, ये भी पिसा. अदरक और लहसुन, ये हल मसाला. हल मसाला. ये थोड़ा सा ऐसे छोड़ देते हैं. ये लीजिए लाल मिर्च. मजा आ गया साहब, वाह. गरम मसाला पाउडर. अभी शुरू करने से पहले जॉनी साहब बता रहे थे कि आजकल जो डिजिटल कैमराज आ गए हैं वो कैसे उसमें फोटो खींचती है, थोड़ा सा आप शेयर करें ना. हाँ, ये कैमरा वाले जो भी मैं आया तो कोई एक बहन जी वो फोटो खींच रही थी. वो क्या है ना, ये डिजिटल कैमरा आ गया ना, उसमें क्या वो लगे रहते हैं, उनको दिखा देता है ना, उनको मजा आता है. समझ में नहीं आता कब तक, दस दस मिनट तक खींचते रहते. अरे हो गया नहीं हो गया भाई बोलो. ये एक है और एक नया मोबाइल, मोबाइल में भी कैमरा है. भाई साहब एक मिनट सर, जॉनी भाई मतलब लगे रहते हैं वो. ओके, इसमें सब मसाले आ गए सर. भाई बड़ी खुशबू अच्छी आ रही है. ये वाकई ये जो इसमें इतना रंग रंगत और सारी चीज़ें हैं क्योंकि आप बना रहे हैं इसलिए. ये कच्चा? हाँ ये कच्चा. अब इसको हल्के हाथ से एक बार मिक्स कर दें सर. वाह, पानी, भाई वाह. और इसके बाद इसमें कोथमीर. बिल्कुल. और ये पुदीना. पुदीना, कोथमीर, पुदीना. ये इसमें डालकर इसको घुमाओ ना. हाँ बिल्कुल घुमाएं. शाबाश. इसको बोलते हैं चमचागिरी. चमचागिरी. पहली बार कर रहा. वाह. अब इसके अंदर नमक. ये आ गया सर. नमक स्वाद अनुसार. चावल भी पक रहे हैं, बढ़िया उबल रहे हैं, नमक भी आ गया, सब कुछ आ गया. भाई वाह, जैसे हल्के से क्या लहजा है. वाह बहुत बढ़िया. बस सर, अब ये चम्मच, ये चमचागिरी. बस क्यों बोल रहे, करने दो ना, मुझे अच्छा लग रहा है. क्या ऐसा हाँ, ना जब कभी कभी करते हैं ना तो ऐसे अच्छा लगता है. जब रोज करना पड़ता है तो ये पकड़ा चम्मच. यस सर. भाई वाह, अब छोड़ना पड़ेगा. छोड़ दो, सारी दुनिया किसी के लिए मुनासिब नहीं, आदमी के लिए. ढक्कन लगा दिया आंच धीमे की और अब इसको पकने देते हैं. चिकन कीमा पुलाव तैयार. कितनी जल्दी हो गया, बहुत जल्दी हो गया. लेकिन आप कहीं ना जाएं, जॉनी भाई भी कहीं नहीं जाएंगे, बनाएंगे एक बढ़िया सी डिश मीठी चॉकलेट के साथ में. क्या बनेगी मैं नहीं बताऊंगा. नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और इसके बाद इसका रिकैप. यार मैं इतना बड़ा आदमी, मुझे पता ही नहीं था.
किले में चाहिए 1.5 कप बासमती चावल पानी में भीगे हुए, 200 ग्राम चिकन का कीमा, 4 बड़े चम्मच तेल, 2 हरी इलायची, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 लौंग, 1/2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 10 काली मिर्च, 3 प्याज स्लाइस किए हुए, 4 हरी मिर्च कटी हुई, 2 टमाटर कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 20 पुदीने के पत्ते और नमक स्वाद अनुसार। इसे बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करके इसमें हरी इलायची, जीरा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च डालें और अब प्याज डालकर इसे भून लें। इसमें हरी मिर्च और चिकन का कीमा डालकर तेज आंच पर भूनें। अब कटे हुए टमाटर, अदरक की पेस्ट, लहसुन की पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालकर भून लें। इसमें चावल, पानी, हरा धनिया, पुदीना और नमक डालकर मिक्स करें और इसे ढककर चावल गलने तक पकाएं और गर्मा गर्म परोसें। खाना खजाने में आपका फिर एक बार स्वागत है। सज्जू कुंवर जी मुझे सिखाएंगे आज क्या? आप सिखाएं? आप सिखाएंगे ना? नहीं नहीं नहीं, आप अच्छा आप कॉमेडी सिखाएं, मैं खाना सिखाऊंगा। हाँ कॉमेडी सिखाऊंगा ना। हाँ किताब उसकी खरीदी है, एक ये वाली कॉमेडीज की, और उसमें ये डालिए 1/2 किलो लहसुन, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सुबह उठिए, पहले उठते ही फर्स्ट एक्सरसाइज, उसके बाद आईने के सामने जाइए, कीजिए, इससे क्या होता है सब इंद्रियां खुल जाती है। हाँ ठीक बात है ना। फिर आप बाथरूम में जाइए, ब्रश कीजिए, सब और ये जबड़े वबड़े फ्री हो जाते हैं। हाँ उसके बाद फिर नहाते वक्त ऐसे ऐसे यूँ 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 सब करिए। पता नहीं फिर तो इसमें क्या बॉडी लैंग्वेज सारे बॉडी से कॉमेडी कर सकते हैं। बॉडी से कॉमेडी, ये रहा बॉडी कॉमेडी, बॉडी लैंग्वेज, क्या कॉमेडी इन बॉडी लैंग्वेज, कॉमेडी इन बॉडी लैंग्वेज। यस, अभी धीरे धीरे आपको आगे और सिखाऊंगा, पहले आप आए। पहला लेसन हो गया शुरू, सुबह उठ के क्या करना है। खैर मैं काफ़ी देर पहले उठा था, वो सब मैं कर चुका हूँ। अब एक जल्दी से चॉकलेट संडे, चॉकलेट संडे। अब इसके लिए डार्क चॉकलेट डालूं तेल में? नहीं नहीं कुछ नहीं, तेल में नहीं डालने। नहीं 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 वो का ना ना ना, ये इसका मैं अभी, हाँ ये इसी में, इसको माइक्रोवेव। अरे वाह, रख दें, चलिए हिम्मत से काम है, कभी भी घबराए नहीं। हाँ। मुझे ऐसा लगा कि माइक्रोवेव चल नहीं रहा है, कन्वेक्शन मोड चल रहा है। लेट नहीं होगा, ये चॉकलेट है, ये लेट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये पहले से लेट हुआ हुआ है। दिखाई दिया, जल लगे दिख ला जा, हुआ गला। हाँ गल गया ना, काफ़ी गला। वेरी गुड, लाइए ये देखिए, ये देखिए। अब क्रीम क्या है? क्रीम है, चढ़ा लिए। ये जो क्रीम, नहीं आप करेंगे ना? ओके, चम्मच तो आपको अच्छा लगता है। हाँ थैंक यू। तो ये अब इसको मिक्स करते रहे, ये करीम भाई जान। हाँ करीम भाई जान, और जरा थोड़े से अनार, अनार दाना, अनार दाना। हाँ हाँ क्या बात है, अब जरा शबाश, अनार दाना, काजू दाना, बादाम दाना, और ये काम वरदाना है, वरदाना। वाह वाह, मैन कैन कुक, और इसका वरदान है आपको, वरदान ये चॉकलेट, आइसक्रीम और गुलाबी डाली, गुलाबी। वाह ये गुलाब, क्या बात है सर, सर। चलिए, ये क्या आप रात भर दिन भर सोचते रहते हैं, नींद में भी सोचते रहते हैं क्या डिश बनाएं, कैसे करें, क्रिएटिविटी चलती रहती है, क्रिएट करते रहते हैं। बिल्कुल, उसके बाद सोचते रहते हैं आप रात को भी, कभी कभी आधी आधी रात को उठ जाते होंगे। हाँ अकेले किचन में लगे बैठे, जी क्या कर रहे, जी कौन है, कौन है, अरे मैं हूँ, कुछ आ गया दिमाग में, है ना, वैसे सब चलता रहता है। आप मास्टर हैं सर, संजीव जी आप मास्टर हैं। और अब ये जो है ये कमाल है इसका, इस पूरी डिश में और कुछ नहीं है, सिर्फ ये चॉकलेट जो है। वाह, और नमक मिर्ची वगैरह नहीं है? नमक मिर्ची डालेंगे सर, नींबू। हाँ नींबू तो डालिए, आपको नहीं मालूम था? हाँ बिल्कुल, अलग टेस्ट आता है मेरे को। ये 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 थोड़ा सा नमक मिर्च, भुना हुआ जीरा, ये काजू भुना हुआ, बादाम भुना हुआ, और थोड़े से
अनार दाना भी ऊपर से थोड़े एक दो, एक दो नीचे दाना अनार ऊपर दाना दाने ऊपर दाना दाने ऊपर दाना पीछे दाना पीछे दाना क्या बात है। ये तो मतलब अनार दाने में से आपने दो गाने निकाल दिए, मुझे बिल्कुल अब समझ आ रही है कि ये जो बॉडी लैंग्वेज वाली पूरी कहानी है, जो एक्सरसाइज है, जिन्होंने शिक्षा दी है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। आपने जो मेरे को पुलाव का पुलाव की शिक्षा दी है, पुलाव जो सिखाया आपने बनाना बनाना नहीं चिकन चिकन वही चिकन कीमा पुलाव। अच्छा नहीं, मैंने कहा बनाना पुलाव। मैंने बनाना पुलाव नहीं अब मैं बीवी को बताता हूँ, जाके बताऊँगा कि मैं भी जानता हूँ, होशियारी मत करना मुझसे। मैंने कोई होशियारी नहीं है, ये जो संडे है ये बीवी को खुश करने के लिए बनाए, मैंने भी वही किया। वेरी गुड सर। चलिए क्या बात है, संडे केक, संडे चॉकलेट संडे, संडे केक, वाह। अरे सर ये तो रह गया, इसको क्या बोलते हैं, संडे चॉकलेट, हाँ चॉकलेट संडे, चॉकलेट संडे, वाह 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 संजीव भाई क्या बात है, इसमें बहुत कारगरी है यार। एक आदमी खा सकता है पूरा आराम से दो तीन दिन में चॉकलेट संडे। बहुत बहुत शुक्रिया जॉनी भाई सर। और जॉनी आला रे जिन्होंने ध्यान से, अब जॉनी आला में देखेंगे खाना खा जाना, वयारू पिल्ले आपको बताएंगे कैसे खाना बनाया जाता है। थैंक यू संजीव भाई, बहुत शुक्रिया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप चॉकलेट ग्रेट की हुई, 1 कप फ्रेश क्रीम, 1/2 कप अनार के दाने, 4 स्कूप वनीला आइसक्रीम के, 4 स्कूप चॉकलेट आइसक्रीम के, 4 स्कूप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के, 20 बादाम भुने हुए और कटे हुए और 10 काजू भुने हुए और कटे हुए। इस संडे को बनाने के लिए ग्रेटेड चॉकलेट को माइक्रोवेव या डबल बॉयलर में पिघला लें। अब इसमें क्रीम डालकर मिक्स करें और इसकी सॉस तैयार कर लें। एक सर्विंग ग्लास में अनार के दाने, वनीला आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डालें और ऊपर से चॉकलेट सॉस, भुने हुए बादाम और काजू डालें और इसे अनार के दानों से सजाकर तुरंत ठंडा ठंडा सर्व करें। भारत हो या दुनिया का कोई भी देश, कमर्शियल किचन में ज्यादातर आदमी ही काम करते हैं। जी हाँ, जलती आग की गर्मी और भारी भरकम काम, ऐसा काम आदमी बखूबी करते हैं। घर में पूरी बनाना आसान है लेकिन बाजार में मिलने वाला बड़ा पराठा, जी हाँ ये पूरी नहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का मशहूर पराठा है। इसका आकार जितना बड़ा है उतना ही स्वादिष्ट है ये पराठा। इतना बड़ा पराठा एक एक्सरसाइज की तरह से लगता है। वैसे बहुत सारे लोग खाना बनाने को एक एक्सरसाइज मानते हैं और कहते हैं कि इससे मानसिक तनाव दूर होता है। यकीन नहीं आए तो आप खुद ट्राई करें और देखें आपका तनाव दूर होता है या बढ़ता है। और अब बारी है आज की टिप की, केसरी हलवा कैसे बनाएं? इसे बनाने के लिए 2 कप पानी और 2 कप दूध को पका लें और अब 1/2 कप घी में 1 कप सूजी डालकर भूनें और इसमें उबला हुआ दूध और पानी मिलाकर इसे कुछ देर पकने दें। अब इसमें 1 कप चीनी और पानी में भीगा हुआ केसर डालें और इसे पका लें और इसमें इलायची पाउडर, किशमिश और बादाम डालकर मिक्स करें और सर्व करें इस केसरी हलवे को गर्मा गर्म। हमारा ये मेन कैन कुक स्पेशल यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन अभी नहीं, मेरा ये जो नया लुक है उसके बारे में आपकी क्या राय है जल्दी से लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।